स्टॉक्स जो अभी करंटली हमारे पोर्टफोलियो में है, तो यू वुड सी एंग्रो, एफएफसी, यूबीएल, ईफर्ट, 9 स्टॉक्स हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी जो हमारी रिसर्च के नंबर्स हैं, तो 14% का डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्टेड हमें इन स्टॉक्स पे लगता है। नाज़रीन, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं वो करीबन 2 साल से लॉन्च हो चुके हैं, एंड देर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स दैट इन्वेस्टर्स एंड द यूनिट होल्डर्स ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कीप ऑन रेजिंग। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर के जो डिविडेंड्स हैं 2 साल हो गए हैं, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जो प्रोवाइडर्स हैं वो पास थ्रू कैसे करते हैं, बिकॉज ETFs आए ही इसीलिए थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कैश डिविडेंड है, उनके जो रिटर्न्स हैं वो आगे पास ऑन करें। और कानून भी ये कहता है कि 90% तक के जो रिटर्न्स हैं वो इमीडिएटली पास ऑन करने हैं टू द यूनिट होल्डर। सर, ये हमारी जैसी मार्केट्स में हमेशा ये न्यू प्रोडक्ट्स का ये चैलेंज रहा है कि यू नो, लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों का कॉम्प्रिहेंशन अबाउट द प्रोडक्ट, इट टेक्स टाइम। SEC के साथ मिलके, उसके बगैर भी हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं, इंडिविजुअल्स के लिए भी किए हैं, कॉर्पोरेट्स के इंस्टीट्यूशंस के लिए भी किए। और अब हम देखते ये हैं कि अभी जाहिर है कोई बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन तो नहीं हो सकी उस प्रोडक्ट की, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट एटलीस्ट परसेंट की हद तक जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट होना शुरू हो गया है। सो यू नो, एवरी कॉर्पोरेट और एवरी इंस्टीट्यूशन दैट वी गो एंड मीट अबाउट फंड्स, दे नॉर्मली आस्क अ क्वेश्चन अबाउट ETF। हमारी डिविडेंड पेइंग स्ट्रैटेजी क्या है? सो सी, म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड एंड एज पर द टैक्स लॉ, द ऑल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट एटलीस्ट 90% ऑफ देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड्स। So, zahir, the same goes with ETF and 90% is the minimum that is legally required to be distributed. हमने कोई 96-97% close to 100% distribute किया था। So, हमारी strategy आसानी वही है कि हमें जो investee company से dividend आता है वो साल के आखिर में हम accumulate करके और उसमें एक बहुत छोटा portion close to 100% वो हम distribute कर देते हैं to all the unit holders. Whereas ETF, as you know, are passive. So, you know, the moment they we decide that you know, we'll be tracking a particular index, तो वो index को ही फिर replicate करता है। So, answer to your question is that if there are investors who doesn't want to invest in an actively managed mutual fund, they can open, if they have account already with a broker or वो trade करते हैं stocks already, so जिस तरह वो अपना share खरीद के बेचते हैं broker के through, exactly उसी तरीके से वो ETF का unit भी खरीद और बेच सकते हैं। The only difference I would say is the strategy. So you know, buy and hold की अगर strategy है सानी, कि जहाँ पे आपको लगता है कि मैं आई एम अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई वांट टू ट्रैक इन इंडेक्स बट डोंट वांट टू गेट अ डायरेक्ट एक्सपोजर टू स्टॉक्स, देन ETF इज फॉर यू। दुनिया में हम देखते हैं सानी कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स का भी साइज काफी ज्यादा होता है और एग्जैक्टली पैसिवली मैनेज जो ETF होते हैं उनका भी साइज ज्यादा होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टर्स psychology and interest, but I think हमारे जैसी market में I think diversification I think is the key. And how about the cost? कोई cost का भी फर्क है कि इधर कम cost पड़ती हो उधर ज़्यादा होती हो? जी। So brokerage cost ज़ाहिर है आपको देते हैं आप जब आप ETF का यूनिट खरीदते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से आप शेयर खरीदते बेचते वक्त देते हैं। नॉर्मली अभी तक हमने देखा ये है हमारे फंड में भी और अक्रॉस इंडस्ट्री भी ऐसे ही है कि जो एक्सपेंस रेशियो है इक्विटी ETF का वो सिग्निफिकेंटली कम है कंपेयर्ड एन एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। और उसकी जाहिर है वजह यह है कि जो पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा फिर आपको फंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज की जरूरत नहीं होती, आपने एक दफा इंडेक्स बना के उसको रेप्लिकेट करना होता है, तो बिल्कुल कॉस्ट कम है। राइटली पॉइंट। सो व्हाट इज आपके जो म्यूचुअल फंड है दूसरे इक्विटी के वर्सेस ETF, इसमें किस तरह का फर्क है इन परसेंटेज टर्म? तो ये वेरी करता है सानी। जी, ये वेरी करता है एक्चुअली। मैं आपको बताऊं उसकी वजह ये कि सिंस वी ओनली हैव वन ETF और जाहिर है इस मार्केट में इसको पेनिट्रेट हमने कराना था, तो हमारा जाहिर है पहला जो फोकस था वो जाहिर है रेवेन्यू कभी भी नहीं था, बल्कि ये था कि नया प्रोडक्ट मार्केट को मिले, लोग फेमिलियर हों, लोगों का इंटरेस्ट हो, एंड देन यू नो वहाँ से हम काम करें। तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली हमने उसकी प्राइसिंग को कम रखा हुआ। कोई भी एक स्टॉक जो है उसका एलोकेशन 3.5% से कम नहीं हो सकता उसके अंदर, और मैक्सिमम एलोकेशन उसकी हमने कर दी 16% की। ओके, सो हाईएस्ट दैट वन स्टॉक कैन रिप्रेजेंट इन दैट इंडेक्स इज 16 एंड लोवेस्ट इज 3.5, 9
स्टॉक्स होंगे उसके अंदर, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर ये रीबैलेंस हो जाएगा। तो अगर प्राइस मूवमेंट की वजह से ड्यूरिंग द क्वार्टर कोई चेंजेस आई हैं तो उनको हम अलाइन कर देंगे, और एवरी सिक्स मंथ ये इंडेक्स रीरन होगा, ये पूरी मेथडोलॉजी रीरन होंगी, उसके अंदर एडिशन और डिलीशन होंगे। तो ये तो बुनियादी सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रक्चर हो गया आसानी इस इंडेक्स मेथडोलॉजी का। जस्ट टू नेम फ्यू प्राइस टू बुक देखें तो इट्स अबाउट 1.6 ओनली, फॉरवर्ड पी पे देखें तो 5 के करीब का। सो यू नो दीज आर और डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स हैं, एनी कंपनी कैन कम इन एज लॉन्ग एज वो ऑयल एंड गैस के अलावा हो तो डाइवर्सिफाइड है सेक्टोरल भी, और जाहिर है जिस मेथडोलॉजी पे निकलता है नॉर्मली वो कंपनीज जो है आप देखते हैं कि इसके अंदर अब जाहिर है मार्केट्स कभी कभी रैशनली बिहेव करती हैं और परफॉर्म करती हैं इवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है अ गुड डिविडेंड यील्ड एंड एज आई सेड म्यूचुअल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट 90%, तो एक आपके लिए अच्छा डिविडेंड यील्डिंग व्हीकल जो है वो ETF हो सकता है। नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू आर वॉचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं वो करीबन 2 साल से लॉन्च हो चुके हैं, एंड देर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स दैट इन्वेस्टर्स एंड द यूनिट होल्डर्स ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कीप ऑन रेजिंग। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर के जो डिविडेंड्स हैं 2 साल हो गए हैं, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जो प्रोवाइडर्स हैं वो पास थ्रू कैसे करते हैं, बिकॉज ETFs आए ही इसीलिए थे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट्स का कैश डिविडेंड है उनके जो रिटर्न्स हैं वो आगे पास ऑन करें। और कानून भी ये कहता है कि 90% तक के जो रिटर्न्स हैं वो इमीडिएटली पास ऑन करने हैं टू द यूनिट होल्डर। सो दिस इज़ वन थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टूडेज प्रोग्राम। और यूनिट होल्डर के जो मसाइल हैं और जो तरजीहात हैं और जो यूनिट होल्डर का इस वक्त व्यू है, इसके ऊपर फीडबैक हम UBL से लेने के बाद मईशत पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बात करेंगे, बिकॉज आवर इकॉनमी सीम्स टू हैव स्टक फ्रॉम 3 months एंड डाउन द रोड नेक्स्ट 20-22 days लगता यही है कि ये जो मईशत का पहिया है ये रुका रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ों में जो इनेबिलिटी है वो इस वजह से भी है कि शायद सिस्टम इस वक्त चोक हुआ हुआ है। एक तैनाती है, अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ है, जिसकी वजह से लगता ही है कि सारे का सारा निज़ाम जो है वो इस वक्त स्टक हुआ हुआ है, और जब तक ये वाली क्लैरिटी नहीं आती लगता ही है कि पाकिस्तान के माशी फक पे जो बादल हैं वो इसी तरह मंडलाते रहेंगे। बी इट चाइना सपोर्ट, बिकॉज बहुत अच्छा ट्रिप रहा शहबाज शरीफ साहब का, बट सब्सटेंशिएट आप नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ है जो कैश की रिक्वायरमेंट है स्टेट बैंक के अकाउंट में, डॉलर की रिक्वायरमेंट है, वो उस चीज़ को फिल इन कर देगी। 4 से 5 साल में $10 अरब के मंसूबों के अनाउंसमेंट बहुत सारी मरतबा पाकिस्तान देख चुका है, मगर आज पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है 5 दिसंबर को $2 अरब से ज़्यादा की लाइबिलिटी सर पे खड़ी हुई है, पाकिस्तान को इमीडिएटली कैश की ज़रूरत है। सो इकॉनमी पे और जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं और जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी उसको किस तरह के मसाइल का सामना होगा, ये डिस्कस करेंगे नुमान अब्दुल मजीद से। बट पहले ज़ीशान से। ज़ीशान, वेलकम टू द शो। आप फरमाइएगा ज़रा कि 2 साल हो गए हैं, हाउ इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द ETF यूनिट होल्डर्स, हाउ आर थिंग्स गोइंग? सानी, हमने एक्चुअली वी स्टार्टेड ऑफ अबाउट 2.5 years अगो, वी वर द जॉइंट फर्स्ट, हमने ETF लॉन्च किया पाकिस्तान का पहला। जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ UBL फंड्स, वी आर अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ UBL बैंक, वी आर इन द बिजनेस फॉर द लास्ट नाउ 20-21 years। कोई 130-135 अरब रुपये हम मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एडवाइजरी बिजनेस है हमारा। ETF, सानी यू वर देयर जब 2006-07 में ETF का पहला डिस्कशन हमने किया था, और वी वर ऑल एक्साइटेड, प्रॉब्ली वी वर अहेड ऑफ अवर टाइम। तो बड़ा उसमें भी उस वक्त भी काम हुआ था, बट इवेंचुअली 2 साल पहले 2020 में जब ये ETF लॉन्च हुआ एक्सक्यूज मी, तो मुश्किलों से हुआ पूरा प्रोसेस, सॉर्ट ऑफ यू नो न्यू प्रोडक्ट कमिंग इनटू योर स्टॉक चेंज इज ऑलवेज टफ, कोई प्रेसिडेंस नहीं होता आपके पास, तो जो रेगुलेटरी चेंजेस करने थे SEC को वो काफी फोर्थकमिंग थे उसके अंदर, बट जाहिर है प्रोसेस का आपको पता है ड्यू टाइम होता है। जी, तो अब लॉन्च हो गया है, हमें जो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक थोड़ा खच्चा भी ये था
कि बिकॉज यू नो ऑपरेशनली ये चीज़ कभी टेस्ट नहीं हुई थी हमारी मार्केट में, इस पर सेटलमेंट रिस्क और वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। तो वो पिछले एक दो सालों में ये काम बड़ा अच्छा हो गया कि कोई भी ट्रेड जो है फेल नहीं हुई और स्मूथ प्रोसेस जो है वो उसका चला है। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स क्यों नहीं बढ़े बहुत ज़्यादा, सर ये हमारी जैसी मार्केट्स में हमेशा ये न्यू प्रोडक्ट्स का ये चैलेंज रहा है कि यू नो लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों का कॉम्प्रीहेंशन अबाउट द प्रोडक्ट टेक्स टाइम। एसीसी के साथ मिलके उसके बगैर भी हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं, इंडिविजुअल्स के लिए भी किए हैं, कॉर्पोरेट्स के इंस्टीट्यूशंस के लिए भी किए। और अब हम देखते ये हैं कि अभी जाहिर है कोई बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन तो नहीं हो सकी उस प्रोडक्ट की, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट एटलीस्ट क्वेश्चन की हद तक जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट होना शुरू हो गया है। सो यू नो एवरी कॉर्पोरेट और एवरी इंस्टीट्यूशन दैट वी गो एंड मीट अबाउट फंड्स, दे नॉर्मली आस्क अ क्वेश्चन अबाउट ETF। और उसी की वजह से आप देख रहे होंगे कि इंडस्ट्री के और बहुत सारे प्लेयर्स जिन्होंने इनिशियली लॉन्च नहीं किया था ETF, वो भी अब एक एक करके लॉन्च कर रहे हैं। UBL फंड्स हम जाहिर है इसको एक्सप्लोर करते रहते हैं, क्या कोई और ETF भी करना है, बट एज वी स्पीक वी ओनली हैव वन ETF विच इज द फर्स्ट दैट वॉज लॉन्च कपल ऑफ ईयर्स अगो। डिविडेंड्स बहुत अच्छे हैं, सो फॉर एग्जाम्पल यू नो इफ यू वॉन्ट मी टू एक्चुअली एक्सप्लेन हाउ ETF वर्क्स, सो यू नो इट रेप्लिकेशन इंडेक्स जो हमारा करंट पोर्टफोलियो है या जिस इंडेक्स को हम ट्रैक करते हैं वो उसका कोई डिविडेंड यील्ड अबाउट कोई 13-14% है। यू नो और लास्ट ईयर हमने जो डिविडेंड पे किया है इस फंड में दैट इज अबाउट 8.2-8.3%, दिस इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। एक सवाल जो काफी रेलिवेंट होता है कि हमारी डिविडेंड पेइंग स्ट्रेटजी क्या है। सो सी म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड एंड एज पर द टैक्स लॉ द ऑल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट एटलीस्ट 90% ऑफ देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड्स। So, zahir the same goes with ETF and 90% is the minimum that is legally required to be distributed. Humne koi 96-97% close to 100% distribute kiya tha. So, hamari strategy sahi wahi hai ki hame jo investee company se dividend aata hai wo saal ke aakhir mein hum accumulate karke aur usme ek bahut chota portion close to 100% ko hum distribute kar dete hain to all the unit holders. तो इसके अंदर कोई खास स्ट्रेटजी हम बना बहुत ज्यादा इसलिए नहीं सकते कि 90 इज सॉर्ट ऑफ अ लीगल रिक्वायरमेंट, सो ऑब्वियसली इट हैज टू बी ओवर एंड अबव 90%। ग्रेट ग्रेट, ये भी फरमाया जरा जिशान के जो एक आम यूनिट होल्डर है म्यूचुअल फंड का वो वर्सेस जो यूनिट होल्डर ऑफ द ETF है उसको किस तरह के बेनिफिट्स हैं इफ वन वर टू गो फॉर ETFs एंड डिसाइड नॉट टू गो फॉर a normal mutual fund unit. जी सनी देखिए, हम हमेशा कहते हैं और मैं और आप काफ़ी बात करते रहते हैं इसके ऊपर कि डाइवर्सिफिकेशन इज अ की। नॉर्मली एक जो डिफरेंस बिटवीन ETF एंड अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड एटलीस्ट हमारी मार्केट में तो काफ़ी वो विजिबल है कि म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, तो फंड मैनेजर जो है वो अपनी एलोकेशन सेक्टोरल कंपनी वाइज एलोकेशन जरा कभी कभी इंडेक्स से ज्यादा और कम करता है डिपेंडिंग अपॉन के व्यू क्या है। व्हेयरएज ETF एज यू नो आर पैसिव, सो यू नो द मोमेंट दे वी डिसाइड दैट यू नो वी विल बी ट्रैकिंग अ पर्टिकुलर इंडेक्स तो वो इंडेक्स को ही फिर रेप्लिकेट करता है। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट इफ देयर आर इन्वेस्टर्स हु डजंट वांट टू इन्वेस्ट इन एन एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड, दे कैन ओपन इफ दे हैव अकाउंट ऑलरेडी विद अ ब्रोकर और वो ट्रेड करते हैं स्टॉक्स ऑलरेडी, सो जिस तरह वो अपना शेयर खरीदते बेचते हैं ब्रोकर के थ्रू एग्जैक्टली उसी तरीके से वो ETF का यूनिट भी खरीद और बेच सकते हैं। द ओनली डिफरेंस आई वुड से इज द स्ट्रैटेजी। सो यू नो बाय एंड होल्ड की अगर स्ट्रैटेजी है सानी कि जहाँ पे आपको लगता है कि मैं वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई वॉन्ट टू ट्रैक इन इंडेक्स बट डोंट वॉन्ट टू गेट अ डायरेक्ट एक्सपोजर टू स्टॉक्स, देन ETF इज फॉर यू। दुनिया में हम देखते हैं सानी कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स का भी साइज काफ़ी ज़्यादा होता है और एग्जैक्टली पैसिवली मैनेज जो ETFs होते हैं उनका भी साइज ज़्यादा होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टर्स साइकोलॉजी एंड इंटरेस्ट, बट आई थिंक हमारे जैसी मार्केट में आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन आई थिंक इज द की। एंड हाउ अबाउट द कॉस्ट, कोई कॉस्ट का भी फर्क है कि इधर कम कॉस्ट पड़ती हो उधर ज्यादा होती हो? जी 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 जी, सो ब्रोकरेज कॉस्ट है आपको
देते हैं आप जब आप ETF का यूनिट खरीदते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से आप शेयर खरीदते बेचते वक्त देते हैं। नॉर्मली अभी तक हमने देखा ये है हमारे फंड में भी और अक्रॉस इंडस्ट्री भी ऐसे ही है कि जो एक्सपेंस रेशियो है इक्विटी ETF का वो सिग्निफिकेंटली कम है कंपेयर्ड एन एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। और उसकी जाहिर है वजह यह है कि जो पैसिवली मैनेज फंड होते हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा फिर आपको फंड मैनेजमेंट एबिलिटीज की जरूरत नहीं होती, आपने एक दफा इंडेक्स बना के उसको रेप्लिकेट करना होता है तो बिल्कुल कॉस्ट कम है। राइटली पॉइंट। सो व्हाट इज आपके जो म्यूचुअल फंड है दूसरे इक्विटी के वर्सेस ETF, इसमें किस तरह का फर्क है इन परसेंटेज टर्म? तो ये वेरी करता है सानी जी, ये वेरी करता है एक्चुअली। मैं आपको बताऊं उसकी वजह ये कि सिंस वी ओनली हैव वन ETF और जाहिर है इस मार्केट में इसको पेनिट्रेट हमने कराना था तो हमारा जाहिर है पहला जो फोकस था वो जाहिर है रेवेन्यू कभी भी नहीं था, बल्कि ये था कि नया प्रोडक्ट मार्केट को मिले, लोग फेमिलियर हों, लोगों का इंटरेस्ट हो एंड देन यू नो वहाँ से हम ऑन करें। तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली हमने उसकी प्राइसिंग को कम रखा हुआ था इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द फंड। जो इक्विटी फंड्स होते हैं वो जाहिर है काफ़ी ज़्यादा उसकी कॉस्ट होती है कंपेयर टू, तो आप ये समझिए कि मनी मार्केट के आसपास हमने ETF की प्राइसिंग की हुई है अपनी इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट इट रिमेन्स अट्रैक्टिव फॉर दोज प्लेयर्स हु इन्वेस्ट डायरेक्टली इन स्टॉक्स और उनको कभी ऐसा ना लगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली कर रहे हैं। वेल जो डायरेक्ट ओपन एंड म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूज टू होते हैं, एक आउट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन भी उनकी होती है तो वो बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते थोड़ा हाई कॉस्ट पे करने में। ओके ग्रेट। बट ये वेरी करती है फ्रॉम इक्विटी फंड टू इक्विटी फंड। या थोड़ा सा ये भी हमारे नाज़रीन को समझाएं कि जो आपका पर्टिकुलर ETF है उस वो कितने सेक्टर्स को ट्रैक कर रहा है और उस उन सेक्टर्स की किस तरह की प्रेजेंट परफॉर्मेंस है एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दीज सेक्टर्स, फिर आपके ETF के रिटर्न्स पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए सानी एक्चुअली इसकी थोड़ी मैं आपको मेथडोलॉजी समझा देता हूँ। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि ETF बिकॉज दे ट्रैक बेंचमार्क इंडेक्स, तो हमने जो अपना इंडेक्स बनाया वो हमने किया ये कि हम KC 100 की जो कंपनीज हैं उसमें से ऑयल एंड गैस को एक्सक्लूड करते हैं बिकॉज हमारा ख्याल ये था कि जिस वक्त फॉरन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आएगा दोबारा हमारे मार्केट की तरफ तो हो सकता है कि वो कमोडिटी एक्सपोजर पे इतना ज़्यादा ना हो, तो हमारा जो मेथडोलॉजी स्टार्ट होती है वो KC 100 कंपनीज माइनस सॉर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस, उसमें से हम टॉप 25 कंपनीज उठाते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप की बेसिस के ऊपर और 25 कंपनीज हम उठाते हैं जिनका लास्ट 2 ईयर्स का सॉर्ट ऑफ ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है। उनमें से टॉप 9 कंपनीज हम निकालते हैं। टॉप इसमें मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो 9 हो सकते हैं इस इंडेक्स के अंदर। कोई भी एक स्टॉक जो है उसका एलोकेशन 3.5% से कम नहीं हो सकता उसके अंदर और मैक्सिमम एलोकेशन उसकी हमने कर दी 16% की। ओके, सो हाईएस्ट दैट वन स्टॉक कैन रिप्रेजेंट इन दैट इंडेक्स इज 16 एंड लोवेस्ट इज 3.5, 9 स्टॉक्स होंगे उसके अंदर। क्वार्टरली बेसिस के ऊपर ये रीबैलेंस हो जाएगा, तो अगर प्राइस मूवमेंट की वजह से ड्यूरिंग द क्वार्टर कोई चेंजेस आई हैं तो उनको हम अलाइन कर देंगे और एवरी 6 मंथ ये इंडेक्स रीरन होगा, ये पूरी मेथडोलॉजी रीरन होगी, उसके अंदर एडिशन और डिलीशन होंगे। तो ये तो बुनियादी सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रक्चर हो गया आसानी इस इंडेक्स मेथडोलॉजी का। जस्ट टू नेम फ्यू स्टॉक्स जो अभी करंटली हमारे पोर्टफोलियो में है, तो यू वुड सी एंग्रो, FFC, UBL, EFERT, 9 स्टॉक्स हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी जो हमारी रिसर्च के नंबर्स हैं तो 14% का डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्टेड हमें इन स्टॉक्स पे लगता है। प्राइस टू बुक देखें तो इट्स अबाउट 1.6 ओनली, फॉरवर्ड पी पे देखें तो 5 के करीब का। सो यू नो दीज आर और डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स हैं, एनी कंपनी कैन कम इन एज लॉन्ग एज वो ऑयल एंड गैस के अलावा हो, तो डाइवर्सिफाइड है सेक्टोरल भी और जाहिर है जिस मेथडोलॉजी पे निकलता है नॉर्मली वो कंपनीज जो है आप देखते हैं कि इसके अंदर। अब जाहिर है मार्केट्स कभी कभी रैशनली बिहेव करती हैं और परफॉर्म करती हैं इवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है अ गुड डिविडेंड यील्ड एंड एज आई सेड म्यूचुअल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट 90%, तो एक आपके लिए अच्छा डिविडेंड यील्डिंग व्हीकल जो है वो ETF हो सकता है। एंड वेयर यू डू नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू द हैसल ऑफ सॉर्ट ऑफ स्टॉक पिकिंग योर सेल्फ, देन यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन द ETF। निशान, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद बातचीत का सिलसिला आपके साथ यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन।
आज ब्रेक से पहले हम जीशान से डिस्कस कर रहे थे कि यूबीएल को किस तरह का रिस्पांस मिला है इसके यूनिट होल्डर की जानिब से. सो द रिस्पांस इज़ जनरली ओके बिकॉज वी ऑल नो कि जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं ख़ासतौर पे कैपिटल मार्केट में और साउथ एशिया में उसमें जो जेस्टेशन पीरियड है वो 4 से 5 साल का होता है. सो जस्ट स्ट्रगलिंग विद द रेगुलेटर द मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड एवरीबडी इज़ लाइक के इन जो नई प्रोडक्ट्स का इनिशिएटिव लिया गया है उसके अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाए. जीशान ये बताएं कि जो डेरिवेटिव्स हैं जैसे इंडेक्स फ्यूचर्स हैं या कैश सेटल फ्यूचर्स हैं वो भी अगर बाज़ार में आ जाएं तो आप समझते हैं कि उससे जो ETFs हैं उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा बिकॉज आपके जो प्रोडक्ट है उसको कम से कम लोग सब्सटेंशिएट तो कर सकेंगे कि उसके पीछे डिलीवरी है, सॉलिड डिविडेंड्स हैं, नॉट जस्ट द बाय और सेल कॉल जो कैश बेस्ड है. जी एब्सोल्युटली सानी, देखिए अब जितनी नई प्रोडक्ट्स हो, जितने उसके डेरिवेटिव्स हो, मार्केट की डेप्थ को वो बढ़ाते हैं. हम जाहिर है डेवलप्ड मार्केट्स में ये देखते हैं कि हर तरह का प्रोडक्ट हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल हैं. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एज लॉन्ग एज जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो मार्केट में वो मार्केट की डेप्थ को इम्प्रूव भी करते हैं और ऑटोमेटिकली फिर वो ज़रा इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है बढ़ता है. ऐसे ही होगा, जाहिर है कि इट टू टेक टाइम, ज़रा हमारी मार्केट उतनी मैच्योर नहीं है तो, बट या जितना हो उतना बेटर. ये बताएं कि जो MTS है उसका कितना बड़ा प्ले है होगा अगर ETFs जो है वो MTS में भी आ जाए, MFS में भी आ जाए. जी बिल्कुल होगा सन, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि एक ज़माने में तो ये आपको पता है कि जब ये इस तरह की प्रोडक्ट्स दूसरे नामों से भी अवेलेबल होती थी तो एज लॉन्ग एज इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अंडरलाइन के अंदर हो, right. वो 9 स्टॉक्स हैं फॉर एग्जांपल इन आर ETF, उसमें इंटरेस्ट है लोगों का, तो अब उसको पिक करने का जो तरीका हो सकता है वो एक ज़ाहिर है डायरेक्ट हो सकता है कि आप जाएँ वो अंडरलाइन शेयर्स ले लें. एक तरीका उसका ETF हो सकता है, एक तरीका उसका डेरिवेटिव हो सकता है, और जाहिर है बहुत सारे लोग जिनका ये व्यू होगा कि थोड़ा लेवरेज करें और इस प्रोडक्ट को जो है का बेनिफिट ले. तो या बिल्कुल एज ए सेट के जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे एक इन्वेस्टर के पास, आई थिंक मार्केट की डेप्थ को वो बढ़ाएंगे और मार्केट के इंटरेस्ट को ऑटोमेटिकली फिर बढ़ाएंगे. इफ़ यू वर टू गिव वन सॉलिड रीजन के व्हाई ETFs आर मोर सेफर देन द नॉर्मल म्यूचुअल फंड यूनिट्स, व्हाट वुड बी योर रिप्लाई? Okay, so I would say, see, it's not about safety. The moment you invest in stocks, you know, you are investing in a high risk right. product anyways, right? Right. So you're taking that equity risk regardless in both, either it's a direct sort of an actively managed mutual fund or an ETF. So the preference, to be very honest, depends on your investment style as investor. Right. So if you are someone, for example, or hum har tarike ke investor se baat karte hain, to I'm sharing it with my experience, ke kuch investors hote hain jinhone historically ye dekha hota hai ki normally active fund managers ne underlying benchmark indexes ko beat kiya hota hai apni performance. Right. तो उन लोगों का ये ख्याल होता है कि ओवर लॉन्ग टर्म, स्पेशली छोटी मार्केट्स के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स ना हो, वहाँ पे फंड मैनेजर्स बेंचमार्क को बीट कर लेते हैं ओवर अ लॉन्ग टर्म. तो वो इन्वेस्टर्स का प्रेफरेंस रहता है एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड की तरफ. बट जाहिर है ये दिस कांट बी ट्रू एवरी टाइम, फंड मैनेजर्स कैन गो रॉन्ग. सो उसके लिए यू नीड टू डाइवर्सिफाई. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेफ्टी, आई वुड यूज द वर्ड डाइवर्सिफिकेशन, जहाँ पे आप थोड़ा सा अपना वो वाला रिस्क जहाँ पे आप बेट ले रहे हैं किसी फंड मैनेजर के ऊपर, उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें बाय ऑब्टेनिंग by buying ETF units. So automatically फिर आप एटलीस्ट उस रिस्क को डाइवर्सिफाई करेंगे और एटलीस्ट क्लोजर टू योर बेंच मार्क आपका रिटर्न ETF से मिलेगा. मैं आपको आसानी इसमें सिर्फ एक चीज बताऊँ कि जो ट्रैकिंग एरर है हमारा वो इट्स 0.3%. राइट. सो यू नो इट्स या सो द फंड परफॉर्मेंस एंड फंड रिटर्न आर very very close to the benchmark that they are following. So the investor ko you're right, and the investor is able to enter and exit during the normal market operations. Ji it operates like a normal
स्टॉक ट्रेडिंग, सो जिस तरह आप कोई अंडरलाइंग शेयर खरीदते बेचते हैं ड्यूरिंग द डे, उसको बाय सेल करते हैं, ETF ऑपरेट्स एग्जैक्टली द सेम वे। ग्रेट। आखिर में जिशान साहब, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है, उस पर अगर आप कोई रहनुमाई देना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब पीपल आर सेइंग कि जब मार्केट में कोई ETF है वो 8-9 स्टॉक्स का है, 7 स्टॉक्स का भी एक आध ETF है, सो पीपल से कि जब मार्केट की ऐसी सिचुएशन होती है कि उन 7 के 7 स्टॉक्स में लोअर लॉक लगा हुआ होता है, तो फिर देर इज़ नो इंसेंटिव फॉर अ यूनिट होल्डर टू टेक पोजीशन। तो पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि ये जो सर्किट ब्रेकर है ETF का, जैसे फ्यूचर के सर्किट ब्रेकर्स थोड़े से ज़्यादा या कम हैं, इसी तरह इन 9 स्टॉक्स के या 10 स्टॉक्स के या अंडरलाइनर जितने भी स्टॉक्स हैं उसका जो सर्किट ब्रेकर है, उससे ETF यूनिट का जो सर्किट ब्रेकर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट पीपल हैव सम अपॉर्चुनिटी और अ काइंड ऑफ विल टू टेक पोजिशन। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? जी, इसमें सिर्फ ये है कि सिंस इट्स अ न्यू प्रोडक्ट एंड इट्स नॉट बीन सॉर्ट ऑफ यू नो टेस्टेड, तो अभी नया है, और जाहिर है इस ये और इसके अलावा और बहुत सारी सजेशंस जो है वो लोग हमसे भी शेयर करते हैं। आई थिंक ओवर टाइम सानी विद मल्टीपल फंड मैनेजर्स नाउ गेटिंग इन्वॉल्व विद द ETF, मुझे लगता है इवेंचुअली जाहिर है ये चीज़ें जो हैं वो एट द एंड ऑफ द डे हम सबका एक ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो, इसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़े, लोगों को एक अलग प्रोडक्ट मिले जहाँ पे वो थोड़ा अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सके। तो आई कांट कमेंट ऑन द टाइमिंग, मुझे लगता है इवेंचुअली जाहिर है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के जो व्यूज होंगे उसकी बेसिस के ऊपर जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं उसमें जिस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी हो सकेगी वो होगी ओवर टाइम। ओके ग्रेट। जीशान, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। तरीके गुफ्तगू रहे जीशान कुद्दूस जो रिप्रेजेंट कर रहे थे UBL फंड्स को, और मज़ीद हमें ज्वाइन किया था नुमान साहब ने, ही इज़ अ नोन इकोनॉमिस्ट। और जीशान कुद्दूस ने तफसील के साथ बताया कि हमें किस तरह के मसाइल का सामना है, किस तरह की रेगुलेटरी चेंजेस जो हैं वो यानी वी कैन एक्सपेक्ट दोज चेंजेस टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर फॉर दी डिवेलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट एट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। नुमान ने तफसील के साथ हमें समझाया कि हमारी जो इकॉनमी है उसमें किस तरह के स्ट्रक्चरल मसाइल हैं और वो हनूज कायम हैं, और उसके लिए टाइम एंड अगेन नुमान लिखते भी रहते हैं और हमारे प्रोग्राम में एक्सप्लेन भी करते रहते हैं कि ये इम्पोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल में बार बार जो भी आता है वो शॉर्ट टर्म पम्पिंग करके ग्रोथ ले लेता है और फिर एकदम कहना शुरू कर देता है कि इकॉनमी ओवरहीट हो गई है और हमें इसे स्लो डाउन करना है। स्लो डाउन करते हैं तो ही कीप्स ऑन रिमाइंडिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल कि भाई स्लो डाउन आप करोगे, इंपोर्ट लेड इकॉनमी है, फिर कहोगे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा। सो ही कीप्स ऑन सजेस्टिंग कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है वो इस चीज़ में है कि आप लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो उस पर रिलाय स्टार्ट करें, जितनी आपकी रेमिटेंस हैं उसके आसपास आपका इम्पोर्ट बिल होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दिस इज़ मैथ, सिंपल 2+2। अनलेस आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी नियत में ख़राबी है, आप ये चीज़ें नहीं करेंगे और नुमान जैसे लोग आपको तंग भी करते रहेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।